शुक्र 2 दिसंबर 2024 को सुबह 11:46 पर मकर राशि में गोचर करने वाले। शुक्र का मकर राशि में गोचर करना तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, इन्हें इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और क्या कार्य करना इन्हें और अधिक शुभ फल देने वाला साबित होगा, तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए शुक्र लग्न भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और शुक्र के चतुर्थ भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। शुक्र का यह गोचर आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, हालांकि कुछ मामलों में घर परिवार में कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। इस गोचर की अवधि में आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, हो सकता है कार्यस्थल पर आपको बेहतरीन काम करने के बाद भी उसकी सराहना न मिल पाए, वरिष्ठों से मतभेद की स्थितियां बनेंगी जिसके कारण आप बेचैन हो सकते हैं। व्यापारी जातकों को बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसकी वजह से मिलने वाला लाभ थोड़ा कम हो सकता है। आर्थिक जीवन में आपकी किसी लापरवाही के कारण धन हानि की स्थिति बनेगी। निजी जीवन में भी आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 7वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहनों और पराक्रम के तृतीय भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। यह गोचर आपका अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, साथ ही किसी यात्रा के दौरान भी आपको अपने धन को सुरक्षित रखना है। करियर क्षेत्र में आपका मान सम्मान वरिष्ठों के आंखों में कुछ कम हो सकता है, यह आपके लिए चिंता का विषय बनेगा। व्यापारी जातकों के बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद की स्थितियां बनेंगी। आर्थिक जीवन में आपको धन का प्रबंधन सोच समझ कर करना है, अन्यथा किसी प्रकार की हानि हो सकती है। निजी जीवन में भी आपके रिश्ते में बातचीत का अभाव रहेगा, जिसके कारण आपसी विवाद संभव है। स्वास्थ्य के लिहाज से पैरों में दर्द की समस्या आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए श्री सूक्त का नित्य पाठ करें। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए शुक्र 6वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर की अवधि में आपको लोन या ट्रेवल के माध्यम से अच्छा धन लाभ हो सकता है। आपकी रुचि इस समय अवधि के दौरान ट्रेवल की ओर बढ़ने वाली है, हालांकि आप करियर में अपनी नौकरी से असंतुष्ट नजर आएंगे, जिसकी वजह आपके ऊपर कार्य का दबाव का बढ़ना है। व्यापारी जातकों को प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलेगी, इसलिए योजना बनाकर व्यापार में आगे बढ़े। आर्थिक जीवन में खर्चों में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप लोन भी ले सकते हैं। निजी जीवन में घर परिवार में चल रहे विवादों के कारण रिश्तों में खुशियां कम रह सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आंखों से जुड़ी हुई कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह था शुक्र का मकर राशि में होने वाला गोचर, जिससे तुला, वृश्चिक और धनु राशि इस प्रकार प्रभावित होने वाले। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।